मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है। जी हाँ, मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं। दर्शकों, स्वागत आप सभी का बिजनेस टॉक में। आज मैं आपको ऐसे मेरे मित्र से मिलवाऊंगा जो कि नागपुर से है। उनकी तीन कंपनियां हैं, एक है ग्रेट प्लेस आईटी सर्विसेज, उसी के साथ साथ एक्सलर फूड्स और उसके साथ साथ एक्सलर आईटी एंड लर्निंग सॉल्यूशंस, इसके वे डायरेक्टर हैं। जी हाँ, मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा। उनकी पूरी सफर जो उनका रहा है, उनकी जीवनी जो रही है, जो संघर्ष रहा है, उन सब के बारे में हम उनसे बातचीत करेंगे बिजनेस टॉक में, जो कि सफर है जीरो से हीरो तक का। सर जय भीम, बहुत बहुत स्वागत आपका। जय भीम, आपका जय भीम। नमस्कार व्यूअर्स, जय भीम। सर, बहुत कुछ सुना मैंने आपके बारे में। तीन बड़ी बड़ी कंपनियां आप चला रहे हैं, बहुत से लोगों को रोजगार दे रहे हैं, नागपुर में बहुत चर्चे हैं आपकी सारी कंपनियों के। पर मैं जानना चाहूंगा सर कि आपका सफर कैसे शुरू हुआ, आपके परिवार के बारे में मुझे कुछ बताइए, आपका बचपन कहाँ बीता ये बताइए। विप्लव, प्रॉपर हम यहीं के, नागपुर के जी। ठीक है, छोटी सी फैमिली थी, पिताजी, मदर एंड यंगर ब्रदर। चलिए, मतलब चार लोग का सुखी परिवार। कर आपके पिता क्या करते थे सर? मेरे पिता ही वॉज प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स, HOD इन मैथमेटिक्स एट अम्बेडकर कॉलेज। तो सर, आपके पिताजी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कॉलेज जो नागपुर में, वहाँ पर मैथमेटिक्स के HOD थे। बिल्कुल सर, मैथ से तो वैसे बचपन में बहुत से लोग डरते थे, आपके साथ ही ऐसा होता था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल डर नहीं लगता था। सो एक्चुअली वो जीन्स में ही है मैथमेटिक्स। सो आई यूज्ड टू स्कोर 10% या 10% इन मैथमेटिक्स। क्या बात, इन 10th एंड 12th। बहुत बढ़िया। सर, आपके भाई के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसे थी? इंजीनियरिंग की है, उस बारे में कुछ बताइए मुझे। सो हड़स में 10th तक स्कूलिंग हुई जी, देन आई टुक इलेक्ट्रॉनिक्स शिवाजी साइंस में, आफ्टर दैट इट वाज ऑब्वियस चॉइस टू गेट इनटू VRC। जिसको आज किसी और नाम से हम लोग जानते हैं, उसे VRC कहते थे, पहले तो 2 साल तुम्हारे पढ़ाई में चले जाते हैं। Then from 3rd year we start planning कि यार करियर में आगे क्या करना है। जी, सो एट दैट टाइम टेलीकॉम वॉज द बूमिंग जी, और अपकमिंग फील्ड जी, मोबाइल फोन आने शुरू हो गए थे, इंटरनेट आना चालू हो गया था, एंड ऑल दोस थिंग्स। सो इन द फाइनल ईयर एंड ऑल दोस थिंग्स आई डिसाइडेड टू गेट इनटू टेलीकॉम फील्ड जी। तो आपने सोचा, अनफॉर्चुनेटली आई गॉट अ प्रोजेक्ट ऑल्सो इन टेलीकॉम, सो दैट वॉज वन ऑफ द उनका तो काफी गाइडेंस था, तो ही वांटेड मी टू एक्सेल इन व्हाटएवर आई वांट टू डू, फील्ड यू वांट टू गो, वांटेड टू डू एट दैट टाइम। ओके, राइट, एंड दैट्स इट। सो फाइनली मैं फॉर्चुनेटली आई कुड गेट अ जॉब इन again in telecom field only with the Sanchar Nigam Limited. Right, so that was my first entry into telecom. चलिए, मतलब कॉलेज से ही आपको प्लेसमेंट मिल गया था BSNL कंपनी, विदेश संचार निगम लिमिटेड में आप दाखिल हो चुके थे कंपनी में। तो कितने साल, आप कितना समय आपने वहां पर दिया? अराउंड 6 years, 6 साल आपने, 6 साल, एंड इन बिटवीन आफ्टर 4 years also I went outside also to do a further studies. चलिए, आप बाहर भी गए पढ़ने के लिए, जैसा कि आप बता रहे हैं, तो आप लंदन गए थे अगर मैं गलत नहीं हूँ? करेक्ट, वहाँ पर आप डिप्लोमा करने गए थे टेलीकॉम फील्ड का। तो सर, भारत उसके साथ साथ UK एक दो अलग संप्रदाय हैं, अलग विचारधारा है, तो क्या सीखने मिला वहाँ से आपको? बाबा साहब भी लंदन गए थे,
वो भी एक कह सकते हैं कि योगा, उसी प्रकार आप भी कैसे गए थे, तो कुछ नई चीजें मिली वहां पर, सीखने मिली, कुछ नया कल्चर अडॉप्ट करने मिला? नया कल्चर, लुक एट दैट टाइम तुम इतना सोचते नहीं हो नए कल्चर के बारे में जी, बट व्हाट इज देयर इन टॉप ऑफ योर माइंड इज टेक्नोलॉजी, राइट? वो कितने आगे बढ़ चुके हैं तुम्हारे से जी, राइट? उस वक्त इट वॉज इन 2001 में आई वेंट टू यूके फॉर डूइंग डिप्लोमा. एट दैट टाइम जो आज हमारे यहाँ 3G के जो बूम है, अभी है जो सर्विसेज चल रही है, एट दैट टाइम दे वर डूइंग अ टेस्टिंग फॉर दैट. क्या बात है. सो टेक्नोलॉजी 15 साल पहले वो लोग 3G टेस्ट वहां कर रहे थे. दैट्स करेक्ट. बढ़िया. सो आई वाज अमेज्ड द बिग डेटा सेंटर्स कितना आगे बढ़ चुके हैं एंड ऑल दोस थिंग्स. देन वो धीरे धीरे हमारे यहाँ भी वो सारी चीजें आई, बट इट टुक टाइम फॉर अस टू अडॉप्ट ऑल दोस थिंग्स. थोड़ा वक्त लगता है. आज भी कहते हैं कि यूके यूएसए हमसे 25 साल 30 साल आगे ही है, ऐसा कर सकते हैं जी. सर, बड़े बड़े कंपनियां आपने वहां पर भी देखी, आप वहां से डिप्लोमा करके जब वापस आए, तो क्या आपको कहीं लगा कि यार मुझे जॉब ही करना चाहिए या व्यवसाय में आना चाहिए, क्या इस दुविधा में आप थे? टू थ्री थिंग्स हैपन एट दैट टाइम. ठीक है, आई वाज एक्सपोज टू, मेरा वहाँ जो ट्रेनिंग था वो बीटी में था, ब्रिटिश टेलीकॉम. यू माइट बी नोइंग दैट ब्रिटिश टेलीकॉम इज वन ऑफ द टॉपेस्ट टेलीकॉम कंपनी जी, जो मैं 3G के आपको जो बता रहे जी, जी. तो आपको पता होगा कि बीटी और यूके हैज सो मेनी कॉलोनीज अराउंड यूके ऑल्सो. उस वक्त आलाफमान नाम का एक उनका बेट आइलैंड है जी, बेट आइलैंड. सो वहाँ पे उनके वो सब कुछ R&D चलती थी फॉर लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज एंड ऑल्स, राइट? उस वक्त के उनके बड़े बड़े डेटा सेंटर्स. सो आई वाज अमेज्ड कि बेसिकली यहाँ पे, सो देयर वाज सर्टेन सर्विसेज ऑल्सो, दे हैड लॉन्च्ड ऑन लोकेशन बेस्ड सर्विसेज एंड ऑल दोस थिंग्स. ठीक है, तो ये यहाँ पे भी अपन लोग क्यों नहीं कर सकते. चलिए, आपके दिमाग में चल रहा था कि मुझे टेलीकॉम वाज वन ऑफ द थिंग व्हिच आई वांटेड टू. आपने जिस पे ग्रेजुएशन किया उसी फील्ड में आप चाहते थे कि इस फील्ड में भारत में मुझे कुछ करना चाहिए. दैट्स करेक्ट. तो सर, क्या शायद उसके बाद आपको लगा कि यार मुझे कंसल्टिंग में आ जाए, क्योंकि आप बहुत अच्छे कंसल्टेंट भी हैं IT सेक्टर में और टेलीकॉम फील्ड में भी, तो क्या आपको उस वक्त लग रहा था कि यार खुद का जॉब छोड़ के अच्छा खुद का बिजनेस शुरू करते हैं, ऐसा कुछ आ रहा था? सो उसकी पैरेलल स्टोरी दैट व्हिच बताना चाहूंगा. तो सर, उसी के बाद क्या शायद आपको कुछ आपकी कंपनी फॉर्म हुई? दैट्स करेक्ट. नहीं, उसी के वर्क नहीं, उसके पहले हुई थी. सर, मैं वो भी जानूंगा, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद. दर्शकों, वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद. सो आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू जॉइन द इंटरनेट डिपार्टमेंट एट दैट टाइम. ठीक है, 1995 में इंटरनेट इंडिया में आया था जी. सो बाय वर्च्यू ऑफ बेसिकली नॉलेज व्हिच आई गॉट, राइट, सो मेनी फोक्स व्हिच आर अप्रोचिंग मी. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत. हम बातचीत कर रहे हैं बिजनेस टॉक में मेरे नागपुर के व्यावसायिक मित्र मिस्टर धीरज भगत जी से. सर, बहुत बहुत स्वागत फिर से एक बार आपका. सर, ब्रेक पे जाने से पहले आपने मुझे बताया किस प्रकार से आपका पारिवारिक ये रहा, आपका समय भी था, पिताजी के बारे में आपने बहुत कुछ बताया, आपके माता जी के बारे में बताया, आपके भाई के बॉन्डिंग के बारे में बताया, इसी प्रकार से आपने मुझे एजुकेशन के बारे में बताया कि कहाँ कहाँ भी पढ़ाई हुई है, आप यूके गए हैं, उसके बाद VNIT में पढ़े. सर, आपने जैसे बताया था कि VSNL में आपने काम किया था, उसके बाद आप दिमाग में कहीं आ रहा था मुझे व्यवसाय में आना चाहिए, खुद की कंपनी शुरू करनी चाहिए, तो उस बारे में कुछ बताइए. सो विप्लो,
से मैंने BSNL ज्वाइन किया है. So I was fortunate enough to join the internet department at that time. ठीक है, 1995 में इंटरनेट इंडिया में आया था. जी. So by virtue of basically knowledge which I got, right, there so many folks which are approaching me for their work. Okay. Right from how to make the websites to how to implement the ISPs to messaging services, blah blah blah, all those things. तो मैंने अपना पहला कंसल्टिंग व्हेन आई वाज डूइंग द जॉब उसी वक्त वे बैक इन 1995 में ही चालू कर दिया था बिफोर स्टार्टिंग द कंपनी इटसेल्फ. ओके. ठीक है. सो मतलब आप तब से आपने कंसल्टिंग शुरू कर दी थी, कई क्लाइंट्स को हैंडल कर रहे थे. Correct. पर सर आपकी आईटी सर्विसेज कंपनी थी एक्सेल, वो कैसे हुई शुरू? सो धीरे धीरे देन आई गॉट इनफ कॉन्फिडेंस टू स्टार्ट माई ओन आईटी सर्विसेज कंपनी. नागपुर अपना होम टाउन ही है. So I thought ki let me start over here small. So in 2005 I started Exceler IT Services with only 4 employees. 4 employees the Nagpur office kahan tha? Nagpur office ghar par hi banaya tha. Achha. Theek hai. So 4 employees ko aapne kya bataya unko, kya sapne dikhaye hame kahan jana? Sapne unko yahi dikhaya ki bas we will be niche in some field. Theek hai. So the fortunately the first client jo humko mila great place to work. Okay. जो खुद एक नीश क्लाइंट था एचआर डोमेन, एम्प्लॉय एंगेजमेंट डोमेन, उनके लिए हमने प्लेटफॉर्म बनाना चालू किया. पहली बार. चलिए, मतलब एक कंपनी जो पहले ही शुरुआत थी उसने एक शुरुआती कंपनी को एक, दोनों ने म्यूचुअली एक दूसरे के साथ काम करना शुरू किया और एक प्रोजेक्ट बना कह सकते हैं. तो सर 4 लोगों से कारवा शुरू हुआ था और अब जो आपका ग्रुप है वो कितना बड़ा हो चुका है? अभी 4 लोगों से लेके अभी बड़ा ग्रुप हो गया, करीब करीब 25-26 लोग हैं. क्या बात है. सर आपने जो अपनी पहली कंपनी शुरू की थी जैसे आपने बताया, उसके क्या सर्विसेज कहते हैं एक्चुअल में, आपने किस क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे? सो उसके सर्विसेज सिंपल थी, आईटी सर्विसेज और अनेबल कॉर्पोरेट्स विद देयर ऑपरेशंस, आईटी एनेबलमेंट ऑफ द ऑपरेशंस. इसमें भी क्या क्या आता है, इट कम्स अंडर टेलीकॉम सर्विसेज, राइट, योर CRM एप्लीकेशंस, नॉर्मल हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऑल दोस थिंग्स. सो व्हाट आर द ऑपरेशंस व्हिच हैपेंस इन अ पर्टिकुलर कंपनी, ऑब्जेक्टिव इज टू ऑटोमेट दैट एज मच एज पॉसिबल. चलिए, मतलब कंपनी में जो सॉफ्टवेयर जितने लगते हैं उतने सारे सॉफ्टवेयर क्रिएट करने का काम आप कर रहे हैं. पर सर आप टेलीकॉम इंडस्ट्री से थे, उसके बाद आप आईटी फील्ड में आए, टेलीकॉम फील्ड के लिए भी आपने काम किए हैं, तो वो जोड़ने का कैसे काम हुआ? टुडे टेलीकॉम एंड आईटी एंड ऑल दिस इज वन वर्ड इटसेल्फ. सो इट्स नथिंग लाइक, वी डोंट कॉल इट टेलीकॉम नाउ, इट इज कम्युनिकेशन. जी, अदर योर वॉइस, वीडियो, डेटा, एवरीथिंग इज ऑल्सो इट्स काइंड ऑफ अ कम्युनिकेशन. जी जी, वी कॉल इट अ कॉर्ड प्ले, वॉइस, वीडियो, डेटा एंड जी वॉइस. So it's all one together basically, right? So IT is enabling that. अच्छा. So anything related to that we deal in. चलिए, मतलब IT और टेलीकॉम से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, अद्यावत तकनीकें हैं, उन सब में साथ आप डीलिंग करते हैं और आपकी कंपनी आपको सोल्यूशन देती है, सर्विसेज देती है हर एक कंपनी को. सर उसी के साथ साथ आपने एक और फूड इंडस्ट्री में आप आए. जी हाँ, तो ये कैसे क्या हुआ कि एक टेलीकॉम इंजीनियर आईटी फील्ड में आ रहा है, फिर अभी एक फूड चेन शुरू कर रहा है होटल्स की, ये कैसे क्या? क्या आप भी खवैये हैं? खवैये हैं, बिल्कुल खवैये हैं. जहाँ भी मुंबई में भी जाता हूँ तो अभी भी देयर आर लॉट मेनी एरियाज विच आर अनएक्सप्लोर्ड. अच्छा. फूडी है, आप भी फूडी है. करेक्ट. जी, सो आई पैशनेट अबाउट फूड, सो दिस इज वन master franchise kind of thing which I have taken of Jammu King. So I like the taste and all those things. So I thought let me get into this, right, start it, dekhta kaise chala sakte nahi chala, because my background is IT, technology. Ji, par aap food industry mein aana chahte hain. Ji, lekin as long as you have passion for that, tum wo bhi kar hi lete ho. Par uske andar logo ka response kaise aa raha hai? Fantastic, logo ko pasand aa raha hai. Jammu King ya franchise aapne li hai to abhi kitne hotels khule hain? Aapne अभी तो अपने 2 है. जी, ठीक है. 2 के बाद दिस मंथ अनदर 3 विल बी कमिंग. सो एवरी मंथ वन स्टोर विल बी एडेड. चलिए, मतलब धीरे धीरे एक एक स्टोर बढ़ता जाएगा. सर जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि आपने आईटी, टेलीकॉम और फूड इंडस्ट्री में कदम रखा है, तो उसके साथ साथ क्या आप ये मेल मिलाप कर पा रहे हैं, परिवार, बिजनेस और फ्यूचर, ये तीनों में हो रहा है? हो जाता है. सर ब्रेक के बाद मैं आपसे बहुत कुछ पूछूंगा. दर्शकों कहीं जाएगा मत, मिलता है एक छोटे से ब्रेक के बाद. ठीक है, फूड इज अ वेरी स्मॉल बिजनेस एज ऑफ नाउ. जी जी,
राइट, तो इसके सिर्फ 5 ही एम्प्लॉई है जी, राइट। एक्सेल आईटी सर्विसेज, उसमें मुंबई में ऑफिस है, बीकेसी में, और ये एक ऑफिस है, क्या बात है, उसके कुछ 12-13 एम्प्लॉई हो गए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आप सभी दर्शकों का स्वागत बिजनेस टॉक में, जो कि सफर है जीरो से हीरो तक का। हम ब्रेक में जाने से पहले बातचीत कर रहे थे मेरे मित्र धीरज भगत जी से। सर, ब्रेक में जाने से पहले आपने मुझे बताया कि किस प्रकार से आपका फैमिली के बारे में आपने बताया, कैसे आपका परिवार रहा, पिताजी ने आपको कैसे संस्कार दिए, मैथमेटिक्स का आपका प्रेम आपने बताया, एजुकेशन बताया, जॉब बताया, व्यवसाय बताया, और व्यवसाय में आपने किस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्रों में आपने जहाँ तक अभी कदम रखा है और आप जहाँ तक वहाँ तरक्की पाने सक्सेस पाने। सर, मैं पूछना चाहूँगा, अभी आपके 3 कंपनियाँ हैं, तो उनके ऑफिस कहाँ पर हैं और आपके एम्प्लॉयज कितने हैं? एम्प्लॉयज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, फूड इज अ वेरी स्मॉल बिजनेस एज ऑफ नाउ जी, राइट। तो इसके सिर्फ 5 ही एम्प्लॉय है जी, राइट। एक्सेल आईटी सर्विसेज, उसमें मुंबई में ऑफिस है, बीकेसी में, और ये एक ऑफिस है, क्या बात है, उसके कुछ 12-13 एम्प्लॉय हो गए, दोनों ऑफिस में लगे। हाँ, ग्रेट प्लेस आईटी सर्विसेज इज अगेन मुंबई, बैंगलोर एंड नागपुर। नागपुर में उसका डेवलपमेंट सेंटर है, बैंगलोर में उसका बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर है, क्या बात है। वहाँ कितने लोग काम करते हैं? तीनों मिला के कुछ हो गए 21-22 के टाइम, मतलब 21-22 और वहाँ 12-14, मतलब करीबन 30-40 लोगों तक आप जहाँ तक रोजगार पहुँचा पा रहे हैं, उन लोगों के परिवार जहाँ तक निर्भर है इस बड़े ग्रुप पर, ये बहुत अच्छी बात है सर। जहाँ तक एक अच्छी बात ये लगती है कि हम लोग गवर्नमेंट जॉब में हम लोग से शायद खुद का घर भरते हैं, और एक व्यवसाय से आप कई परिवारों को चला सकते हैं, आपको कैसा लगता है? हाँ, इसमें काइंड ऑफ अ सेटिस्फेक्शन है, मतलब कह सकते हैं सर कि नागपुर को आपने मध्य बिंदु रखा है, ज़्यादा वो भारत का भी मध्य केंद्र है, बिहार प्रोजेक्ट आ रहा है और बहुत सी चीज़ें आ रही हैं, तो यहाँ से आप ऑल ओवर दुनिया में कह सकते हैं वॉच रख सकते हैं, लॉट ऑफ एक्टिविटीज यू कैन कंट्रोल फ्रॉम देयर, ये कह सकते हैं। सर, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि अगर आप सक्षम बन चुके हैं, आप किसी अच्छे मुकाम पर हैं, तो आप जितना अर्जित करते हैं धन, उससे 20वां हिस्सा आपको समाज को पैदा करना चाहिए, समाज को देना चाहिए, इस सोच में आपको क्या कहते हैं बाबा साहब की, और आप ऐसा कुछ करते हैं? 1/6 ऑफ होल करेक्ट। सो मैं कुछ अलग तरीके से करता हूँ, आपको पता है कि मेरा स्किल डेवलपमेंट का सेंटर भी है अंदर, एक्सेल आईटी सर्विसेज, ठीक है, जहाँ पे अलग अलग स्किल डेवलपमेंट के ट्रेनिंग दिए जाते हैं, जॉब दिए जाते हैं, तो आई इंश्योर कि उसमें हमें लोग 10 लोग पढ़ रहे हैं या 20 लोग पढ़ रहे हैं, उसमें 2-3 लोग हमारे खुद के हो, जो फ्री ऑफ चार्ज ट्रेनिंग मिले उनको, और उनको जॉब भी साथ में प्रोवाइड किया जाए, क्या बात है। सो दैट्स द अनदर वे ऑफ थिंग्स विच आई एम डूइंग, मतलब एक प्रकार से युवकों को कह सकते हैं, युवतियों को आप सक्षम बना रहे हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटी उनके लिए क्रिएट हो सके और वो स्किल उनके अंदर डेवलप हो सके, ऐसा ही कह सकते हैं। जी सर। सर, जिस प्रकार से आप एक सक्षम व्यवसायिक हैं, क्या आपने ऐसे डायरेक्टली किसी युवक को मार्गदर्शन किया है अपने व्यवसाय के लिए और जो आज एक अच्छे मुकाम पर? सो इट्स नॉट वन युवक, बेसिकली हम एक बहुत पहले पिछले साल एक प्रोग्राम चलाया था, जिनको 2 बैचेस लिए थे, 20-20 बडिंग एंटरप्रेनर्स के, जो स्मॉल एंटरप्रेनर्स है जिनमें कुछ करने की इच्छा है, तो उनके लिए राइट फॉर्म किस तरह से बिजनेस प्लान बनाना चाहिए, कैसे पैसा खर्चा करना चाहिए, कैसा ऑपरेशन मैनेज करना चाहिए, अलग अलग तरह के एंटरप्रेनर्स को हमने गाइड किया था, राइट। इसमें आज काफ़ी सारे लोग, आई प्राउडली से कि कम से कम 8-10 लोग तो अपना अपना अच्छा व्यवसाय चला रहे, कोई फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग में है, कोई फूड में है, ठीक है, कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है, ठीक है, ई कॉमर्स कर रहा है, तो ऐसे काफ़ी सारे बडिंग एंटरप्रेनर्स वहाँ पे हुए, एंड ऐसी प्लान है कि इसको हर साल कम से कम 20 लोगों को तो ट्रेन करना ही चाहिए, बिकॉज एंटरप्रेनरशिप इज अ डिफरेंट बॉल गेम,
में हो, छोटे छोटे चीजें अपने को आना चाहिए। सर बहुत से ऐसे बडिंग बिजनेसमैन हैं, युवक हैं जो नौकरी में फंसे हुए हैं, वो चाहते हैं कि व्यवसाय में और आप जैसे कि कई क्षेत्रों में हैं, वो भी चाहते हैं कि उन क्षेत्रों में, तो क्या आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल से कि वो शायद वो सुने और वो इम्प्लीमेंट करके एक अच्छे व्यवसायिक बन सके? एक व्यवसायिक बनना एक थोड़ा सा अलग सा टेम्परामेंट है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। सो अगर किसी ने सोच लिया कि मेरे को कोई चीज़ करनी है, ठीक है, एक हम जॉब करते हैं तो आप आजू बाजू देखते हैं कि आप अगर इसमें मैं कुछ अलग से कर पाऊँ, राइट, ये प्रोसेस मैं ठीक कर पाऊँगा, ये मैन्युफैक्चरिंग में जाऊँ समथिंग लाइक दैट। तो आई सजेस्ट कि उस बंदे ने उसने उसमें वो इमीडिएटली पिकअप करना चाहिए आइडिया, ठीक है, कम टू अस, किस तरह से इसको चलाना चाहिए, किस तरह से पैसा खड़ा करना चाहिए, वी गाइड हिम इन ऑल द वे, राइट। बट एंटरप्रेन्योरशिप टुडे इट्स वी मस्ट एंटर इनटू दैट, सो दैट्स अ सजेशन टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज हम खुद के लिए तो पैसा जनरेट करते ही करते हैं उसके लिए, राइट, एट द सेम टाइम हम और 10-12 लोगों को उसका एम्प्लॉयमेंट देते हैं, और इन द सेंस हमारे इसमें जो पैसा जनरेट करने की और हमारे कम्युनिटी में जो ताकत बढ़ेगी उसके वजह से इससे डिफरेंट विल बी एट अ डिफरेंट लेवल। तो कभी सोचो इसमें एंटरप्रेन्योरशिप में भी काइंड ऑफ अ गुड करियर, करियर ओनली, ठीक है, एक पैशन होता है और उस पैशन के साथ आप अंदर आइए, ऑल द गार्डन से। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए जय, और आपने बहुत सारी बातें बताई, और ये सारी बातें जहाँ तक हमारे युवक जो कुछ देख रहे होंगे, युवतियाँ देख रहे होंगे ये इंटरव्यू, उनको भी अच्छा लगेगा कि एक ऐसा इंजीनियर जो एक निकलते टीसीस है, जिन्होंने IT सेक्टर में भी काम किया, उसके साथ साथ फूड सेक्टर में भी हुआ है और अभी टेलीकॉम सेक्टर में भी नाम कमा रहे हैं और दुनिया भर में उनके ऑफिस खुल रहे हैं, उनके क्लाइंट्स हैं। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के। तो दर्शकों ये थे मेरे व्यवसायिक मित्र नागपुर से मित्र धीरज भगत, जिन्होंने अपने नाम का परचम अपने कह सकते हैं कि व्यवसाय में एक अलग ऊंचाई उन्होंने पा लिया, वो अलग अलग क्षेत्र में नए व्यवसाय नए फ्रेंचाइजी खोल रहे हैं और जहाँ तक उसमें वो सक्सेस भी पा रहे हैं। ऐसे एक सक्सेस से मैं आपको रूबरू करवाऊंगा अगले एपिसोड में, तब तक देखते रहिए बिजनेस टॉक जो कि सफर है 0 से 0 तक का।